मुलायम सिंह शामिल हुए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। लगातार इससे पहले ये खबर सामने आ रही थी कि मुलायम सिंह को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन अब ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुलायम सिंह शामिल हुए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं किया है, तमाम बातें सामने उठकर आ रही थी, तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर क्या वजह हो सकती है, आखिर किन बातों को लेकर नहीं शामिल किया गया है। लेकिन इन सभी बातों के बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुलायम सिंह शामिल हुए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। मुलायम सिंह का नाम अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। इससे पहले ये तमाम बातें सामने उठ रही थी कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि मुलायम सिंह यादव को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। जिस तरीके से पहले ये खबर थी कि मुलायम सिंह यादव को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं किया जा रहा, लेकिन इन सबके बीच अब ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि मुलायम सिंह को अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। लगातार इस खबर के बारे में चर्चा हो रही थी, तमाम पार्टियां अपनी अपनी राय दे रहे थे, और इन सब के बीच अब ये खबर आ गई है सामने कि मुलायम सिंह अब शामिल हो गए हैं स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरीके से हाल ही कुछ ही देर पहले ये खबर सामने थी कि मुलायम सिंह स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है, लेकिन अब फिर ये खबर, ये ट्विस्ट कि मुलायम सिंह अब जो है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। हाँ जी अंशिका, चूंकि जब सपा की सूची जारी हुई थी स्टार प्रचारकों की, तो मुलायम सिंह यादव का नाम नहीं शामिल था। शायद अखिलेश यादव का डर था कि मुलायम सिंह यादव अगर जनसभा में जाते हैं तो क्या बोल बैठे या किसका प्रचार कर बैठे। कभी वो शिवपाल के पक्ष में बोल जाते थे और कभी मुलायम सिंह यादव के पक्ष, अखिलेश यादव के पक्ष में बोल जाते, तो इसको लेकर के अखिलेश यादव असमंजस में थे और कई बार ऐसे बयान दे दिए जिससे पार्टी और अखिलेश दोनों असहज होते नजर आए। कभी कभी अखिलेश यादव की बुराइयां भी इन्होंने सार्वजनिक मंच से की, और इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री हाउस चल रहा था उसके आखिरी दिन इन्होंने पीएम मोदी को ये कहा था कि 2019 का पीएम, अगला पीएम जो देश का होगा मोदी होगा, उस पर ही पार्टी असहाय नजर आई थी। तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो इस नाते अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव का जो नाम था वो स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन जब सूची जारी हुई स्टार प्रचारकों की, उसके बाद से ही जो विपक्ष था या सोशल मीडिया पे लगातार इस बात की चर्चा तेज होने लगी और अडवाणी की तुलना से मुलायम सिंह यादव को जोड़ा जाने लगा कि मुलायम सिंह यादव को घर बैठा दिया गया है। कई सारे सवाल जवाब हुए, विपक्ष की तरफ से भी इससे हमला होने लगा। इसको देखते हुए अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को दोबारा स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया। इसके अलावा किरणमय नंदा का भी नाम शामिल किया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह यादव को फिर से शामिल कर लिया गया है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा मुलायम सिंह यादव कितनी लोकसभा सीटों पे प्रचार करने जाते हैं, मैनपुरी से बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुलायम सिंह यादव को किसी अन्य सीटों पे प्रचार करने भेजा जाएगा। हाँ, इतना हो सकता है कन्नौज, मैनपुरी या बदायूं, फिरोजाबाद जैसी सीटों पे, हालांकि फिरोजाबाद पे भी जाना बहुत कम ही आसार है क्योंकि उनके भाई शिवपाल सिंह यादव वहां लड़ रहे हैं अपनी पार्टी, जो नई पार्टी बनाई है। तो परिवार की सीटों पे मुलायम सिंह यादव प्रचार कर सकते हैं, लेकिन परिवार से बाहर जाकर दूसरी सीटों पे शायद मुलायम सिंह यादव को प्रचार करने के लिए ना भेजे। तो ये अखिलेश यादव ने एक बड़ी रणनीति के तहत फिर से शामिल किया है, और इसका एक बड़ा कारण और भी था, क्योंकि अगर मुलायम सिंह यादव का नाम नहीं था, जो यादव में एक मैसेज गलत जा रहा था लगातार, उसको अखिलेश यादव ने पूरा करने की कोशिश की है। गलत मैसेज ने यहाँ कि मुलायम सिंह यादव जैसे नेता को उन्होंने साइड लाइन कर दिया था, क्योंकि इससे पहले जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया था तब भी सवाल उठे थे, कई सारे यादव नेता अखिलेश यादव के फैसले से सवाल उठाया था, उसको देखते हुए, और क्योंकि चुनाव है ऐसे समय में यादव वोट कहीं उनसे नाराज न हो जाए, जो पुराने यादव हैं, खासकर यादवगढ़ में मुलायम सिंह यादव की एक अलग लोकप्रियता है, चाहे वो इटावा हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, फिरोजाबाद हो या एटा हो, तो इसको देखते हुए अखिलेश यादव ने दोबारा उनको स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव जी। बिल्कुल पंकज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि किस तरीके से चुनाव प्रचार करते हैं मुलायम सिंह यादव, अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं।